अक्षय अभी हमने बात की, तुम्हें समझ में कि तुम एक सेकंड मैं रणबीर की बात कर रहा हूँ ना, तुम्हें नहीं, जिस तरफ वो अजी, जिस तरफ प्लीज मैं बात कर रही हूँ ना, तू चुप नहीं, एक मिनट, आप जानती नहीं है इसे, ये ऐसी ही है, तू शांति से जीने क्यों नहीं देती हमें, हमेशा तुम्हारी वजह से प्रॉब्लम आती है हमारी लाइफ में, क्यों करती हो ऐसा? नहीं पल्लवी आंटी, प्रॉब्लम प्राची भाभी नहीं, मेरा भाई है, I'm sorry, but please आप प्राची भाभी को कुछ मत दीजिए। मीका वो लोग बात कर रहे हैं ना, किससे मत बोल। बात मेरी है और मेरा हक बनता है। तेरे हक की ना, मैं यहीं पे सबके सामने चुप कर जाओ यार। तेरे सामने हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, जो बस बहुत हो गया, सारी हदें पार कर चुका है। मैं हदें पार कर रहा हूँ, हदें वो पार कर रहा है। मैं कह रहा हूँ आप लोगों से, किसी भी कीमत पर इस लड़के की शादी मीका से नहीं होगी, बात खत्म। अक्षय किसी बात कर रहे, मैं बात कर रही हूँ, एक मिनट, ये हो क्या रहा है यहाँ? माफ कीजिए लेकिन इसलिए बुलाया आपने हमें यहाँ? नहीं, ऐसे बेइज्जत करने के लिए? आप प्लीज मेरी बात सुनिए, ये आपका बेटा क्या कह रहा है? ये कह रहा है ये शादी नहीं हो सकती है। ये आपका बेटा क्या कह रहा है? ये सुनने के लिए बुलाया आपने हमें यहाँ? सॉरी, ये जो कुछ भी आपके सामने हो रहा है, आपको सुनना पड़ रहा है, उसके लिए माफ कर दीजिए। पर अक्षय जैसे भी बिहेव कर रहा है, जो भी बोल रहा है, इसमें बुआ जी की कोई गलती नहीं है। बुआ जी तो एग्जैक्टली यही कह रही हूं मैं, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती तुम्हारी है प्राची। तुम क्यों नहीं हमें जीने देती हमारी जिंदगी, क्यों हमारी खुशियों के पीछे पड़ी हुई हो तुम? मम्मी इसमें प्राची ने कुछ, एक मिनट रणबीर, मैं बात कर रही हूँ ना प्राची से। बस बहुत बोल दिया आप लोगों ने और बहुत सुन लिया मैंने। देखिए ये जो भी डिस्कशन है ना, ये और नहीं होंगी यहाँ पर। आप लोगों का जो भी मेंटल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, ये जो भी कुछ चल रहा है, इसको बस बंद करते हैं और एक बात पे ध्यान देते हैं कि ये शादी नहीं होगी, क्योंकि मैं अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, तो ये शादी तो होने से नहीं, समझे? नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको बिल्कुल नहीं पड़ी है मेरी खुशी, मेरी जिंदगी की, आपको सिर्फ अपनी पड़ी है, अपनी खुशी की, अपनी इनसिक्योरिटी, जो आपकी इनसिक्योरिटी है ना प्राची भाभी के साथ, वो आपकी इनसिक्योरिटी है, रणबीर और प्राची भाभी की नहीं। एग्जैक्टली माई पॉइंट, तुम्हें क्या लगता है अगर मैं प्राची को चाहता और प्राची को यहाँ से लेके जाना चाहता तो मुझे यहाँ से कोई रोक पाता? नहीं। लेकिन मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ ऐसा, क्योंकि कुछ वजह है, एक बार दिमाग लगाओगे अपना कि कुछ वजह हो सकती है। वो पीछे के सेल में जो कैदी है ना, उसका जरा ध्यान रखना, वरना मुसीबत खड़ी कर सकता है, बहुत लड़ता है, माहौल खराब कर लेगा जेल का। मुझे एक एफआईआर करानी, मेरी बहन ने खुदकुशी करने की कोशिश की। तो हॉस्पिटल वाले फॉर्मेलिटीज के लिए कह रहे हैं। जी सर, हॉस्पिटल वाले ने हमें कहा है कि यहाँ एफआईआर करवा लो, क्योंकि एफआईआर की हमें कॉपी सबमिट करनी है। सर उन्होंने इलाज शुरू कर दिया है, पर ये फॉर्मेलिटीज करना भी जरूरी है ना सर, इसलिए आप थोड़ा जल्दी करेंगे? नहीं साहब, बात सिर्फ इतनी नहीं, सिर्फ हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज के लिए मुझे एफआईआर नहीं करवानी, बल्कि वजह कुछ और है। और क्या वजह? एक लड़का है जिसकी वजह से मेरी बहन मीका ने खुदकुशी करने की कोशिश की। उस लड़के ने मेरी बहन को इतना उकसाया, मेंटली इतना टॉर्चर किया कि मेरी बहन ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। भाई क्या बोले जा रहे हैं आपको? कौन है वो लड़का, क्या नाम है उसका? रणबीर कोहली। रणबीर कोहली ही वो इंसान है जिसकी वजह से मेरी बहन मीका ने इतना बड़ा कदम उठाया खुदकुशी करने का। और इंस्पेक्टर साहब आप जानते हैं ये बहुत ही संगीन जुर्म है, इसलिए इंस्पेक्टर साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको रणबीर कोहली को अरेस्ट करना ही होगा। बोल, क्या बोलना है तुझे? नहीं कुछ नहीं। अभय मैं तुझे बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ और तू ये बात जानता है, मैं जानता हूँ तेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, तो
ये बता कि परेशान क्यों? भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको बोलूं कि नहीं, पर मुझे लगता है जो आपने किया वो सही नहीं किया, गलत किया। ओ, गलत किया मैंने? ऐसा लगता है तुझे? हाँ भाई, मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। I mean, एक पॉइंट तक बताना ठीक था कि लड़ाई हुई थी, पर ये बोलना कि रणबीर की वजह से मीका ने अपना हाथ काटा, गलत था भाई। क्यों? यही तो हुआ था, सच बोला मैंने, झूठ का बोला मैंने? हाँ भाई, हाँ यही हुआ था, पर जिस तरीके से आपने बोला उससे ऐसा लग रहा है कि रणबीर की वजह से मीका सुसाइड कर रही है, पर सच्चाई आप भी जानते हैं, मीका की दिमागी हालत सही नहीं है। एक झापड़ मारूंगा ना खींची अबे, फिर अकल ठिकाने आ जाएगी। मीका के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनूंगा मैं, बहन है वो हमारी, बिल्कुल ठीक है उसकी दिमागी हालत, समझा तू? कि जो भी कुछ हुआ है ना सिर्फ रणबीर की वजह से हुआ है, मीका की वजह से नहीं, बिल्कुल ठीक है वो। अब उस रणबीर को समझ आएगा कि उसने किससे टक्कर ली, क्योंकि जिंदगी भर का सबक सिखा दिया मैंने उसे, तेरा भाई कभी गलत नहीं होता। अक्षय टंडन इज ऑलवेज राइट, ऑलवेज। अब तू देख मैं क्या करता हूं। अगर ऐसी बातें करे तो समझ में आता है, लेकिन आप तो थी ना वहां पर, आप जानती है क्या हुआ है, तो फिर प्लीज प्लीज आप दोनों शांत हो जाइए ना। Just... कोई कोई मुझे बताएगा कि हुआ क्या है? मैं बताती हूँ। मीका की मम्मी का कॉल आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, मैं इनसे बात नहीं कर सकता, ये बहुत अच्छी लेडी है, ये मुझे कुछ भी बोलेंगे ना मैं मना नहीं कर पाऊंगा। अगर इन्होंने बोला कि मीका के साथ वापस आ जाओ तो मैं मना कैसे करूंगा? नहीं नहीं नहीं, मैं इनसे बात नहीं कर सकता, अभी नहीं कर सकता। मम्मी क्या कर? हेलो रणबीर, रणबीर। हेलो 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 आंटी, आप ऐसे रो क्यों रही हैं? ऐसे रोइए मत। देखिए मुझे पता है आपको ऐसा लग रहा है कि मीका भी टूट गई है, मीका के लिए बहुत बड़ी बात है, ऐसा नहीं है, ये बहुत नॉर्मल चीज है उसके लिए, वो बस नर्वस है इसीलिए थोड़ा हल्का सा शॉक में है, दैट्स इट। एंड ट्रस्ट मी, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मीका और मेरे बीच में कभी कोई प्यार नामक वस्तु थी ही नहीं, हम एक समझौते में थे। रणबीर मेरी बात सुनो। हाँ। मीका ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। ICU में है, बहुत क्रिटिकल है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वो बार बार सिर्फ तुम्हारा नाम ले रही है। प्लीज मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज आ जाओ, एक बार के लिए आ जाओ, मर जाएगी मेरी बच्ची, प्लीज आ जाओ। नहीं 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 नहीं, मैं बस पहुंच रहा हूँ, अभी पहुंच रहा हूँ हॉस्पिटल, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। बुआ जी क्या हुआ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे नाराज हैं? क्यों क्यों क्यों, मैंने क्या किया यही पूछना चाहता है ना तू? तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या हो रहा है अक्षय? तो मैंने क्या किया इसमें? वही एग्जैक्टली यही पूछ रहा हूँ, मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? हाँ। तो सुन मेरी गल, देख पुत्र, अगर तू मेरा पुत्र है ना तो मीका भी मेरी बेटी है, जितना प्यार तुझसे करती हूँ ना उतना ही प्यार उससे भी करती हूँ मैं, परिवार है, तू सब भूल गया है ना, रिश्ते नाते सब भूल गया, यही सिखाया था मैंने तुझे, सुनी मेरी बात, तूने लिहाज रखा मेरा नहीं ना? तो अब एक बात दिमाग में बिठा ले, घर परिवार को खुशियां दी जाती है, खुशियां छीनी नहीं जाती, दुख दूर किया जाता है, दुख दिया नहीं जाता, लेकिन तू यही कर रहा है, अपने ही परिवार को, अपने ही लोगों को तू दुख दे रहा है, उनकी खुशियां तू छीने जा रहा है, समझ रहा है कुछ तू? मैं और नहीं तो कौन? आज तेरी बहन की जो हालत है उसके लिए कौन जिम्मेदार है अक्षय? किसने कहा था इतना बड़ा फैसला जबरदस्ती अकेले लेने के लिए? इसलिए ना कि सिर्फ अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता तू। कौन कहता है कि मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता, इसलिए मैंने ये फैसला लिया, कौन कहता है ये? काबू नहीं कर पाता, कर रहा हूँ, देख पा रही है आप, काबू कर रहा हूँ अपने गुस्से पर, लेकिन पता नहीं आपको क्या हो गया है बुआ जी, आप अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पा रही। अक्षय आप सुनिए मेरी बात, आपको देख के लग रहा है कि आपसे अपना गुस्सा संभाला नहीं जा रहा है, किस लिए नाराज है मुझसे मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। आप सबके सामने मैंने साबित कर दिया, प्रूफ कर दिया कि रणबीर मीका से प्यार नहीं करता, प्राची से प्यार करता है, लेकिन आप लोग मेरी बात समझते ही नहीं। लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार मेरी बात को ठंडे दिमाग से सोचेंगे ना तो आप लोग समझेंगे कि मैंने जो किया और जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। अरे मीका से प्यार नहीं करता वो, ही लव्स प्राची। ओए चुप कर, एक तुंगी ना उठा के तो तेरी सारी अंग्रेजी गिरी होनी है मेरे पैरों में, बात को समझ, अपनी गलती की सजा किसी और को मत दे, समझा?
रूपराज जी को अपनी पत्नी नहीं बना पाया तो उसमें मीका की क्या गलती है? कब से कह रही हूँ पुत्र तुझे, राज जी को अपना बना ले, उसके साथ एक हो जा, उसे अपनी पत्नी बना ले। लेकिन नहीं, दोस्त बनना था ना तुझे उसका, उसके दिल में जगह बनानी थी और उसके लिए तुझे टाइम चाहिए था, तो ले टाइम बाबू। वो रणबीर ऐसे प्राची को तुझसे छुड़ाकर उड़ा ले जाएगा। अरे ऐसा कभी नहीं होगा बुआ जी, और ये बात ना आप अपने कान खोल के सुन लीजिए, इसलिए डरिए मत, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। ये क्या किया आप लोगों ने, क्या क्या मेरे बेटे के साथ ये परेश करवाया आपने, उसे क्यों, किस लिए? कुछ नहीं किया मेरे बेटे ने, कुछ नहीं किया आपने। नहीं, गलती आपकी है, बहुत बड़ी गलती है, आप सबकी गलती है इसमें। आपने मेरा बेटा इनोसेंट है और अब आप कुछ नहीं कहेंगे। मैं कहती हूँ मैं ये रिश्ता तोड़ती हूँ। रणबीर और मीका की शादी आप नहीं होगी। नो, नहीं, पल्लवी जी, जाने दीजिए उन्हें, जाने दीजिए, मेरी बात सुनिए प्लीज, जाने दीजिए, हमें कोई रिश्ता नहीं करना भाभे, जाने दीजिए उन्हें। सिर्फ तेरी वजह से हुआ है, सिर्फ तेरी वजह से हुआ है, मुझे तेरी शक्ल नहीं देखनी। मैंने जो किया सही किया, सुन लीजिए आप सब लोग। तू मुझे कह रहा है लिमिट क्रॉस मत कर, तू क्या करता है, औरतों की पूजा करता है? इतनी इज्जत करता ना तो मीका के साथ ऐसा नहीं करता। तुम्हारी माँ को कुछ बोला तो इतना लग रहा है, उस मीका की माँ के दुख और दर्द का क्या? अरे जबरदस्ती आप, अब मेरी बात सुनिए। मेरा पुलिस स्टेशन इतना घर नहीं, यहाँ पे आने का जुबान चुप हो जाती है। अजीब बात कर रहे हैं आप, मैं सच बता रहा हूँ आपको, आप कह रहे मेरी जबान चुप करा दी, कि क्या बोल रहे हैं आप? रणबीर शांत हो जा, तू चुप हो जा प्लीज, सुन ले अपने पिताजी की बात, और आप बाहर जाके अच्छे से अच्छा वकील कीजिए, बहुत बड़ा क्राइम किया है आपके बेटे ने, ऐसे छोड़ने नहीं वाला मैं उसको। किसी को खुदकुशी के लिए उकसाना बहुत बड़ा क्राइम है, जाइए। क्या कुछ भी बोले जा रहे हैं इंस्पेक्टर साहब आप, मेरे पोते ने कुछ नहीं किया है। मेरे बेटे जैसा और कोई है ही नहीं, बहुत गर्व है मुझे उस पर, जान देने वालों में से नहीं है, लोगों के लिए अपनी जान देने वालों में से, लोगों की जान बचाने वालों में से। अब आप लोगों को जो कुछ भी कहना है सीधा अदालत में कहिएगा। मम्मी जी मैं वकील के पास गया तो था, लेकिन उन्होंने मुझे याद दिलाया कि आज तो छुट्टी है, और कल और परसों भी छुट्टी है, लॉन्ग वीकेंड है। इतने दिनों तक मेरा रणबीर जेल में रहेगा? इतने दिन तो क्या है, एक दिन भी अपने बेटे को यहाँ नहीं रहने दूंगी मैं, सुना आपने, एक दिन भी नहीं रहेगा। मॉम कैसी कैसी बातें कर रही है, आपने सुना ना पापा ने क्या बोला, कोई अवेलेबल नहीं है और लॉन्ग वीकेंड है, प्लीज रहने दीजिए, हम कर रहे हैं ना जो हम कर सकते हैं। क्या मम्मी, तू चुप करना, तू क्यों बीच में बोल रहा है, तेरे डैड और मैं सब संभाल रहे ना, तेरे डैड है बेटा, वो फर्ज है उनका बेटे को प्रोटेक्ट करना, हिफाजत करना तेरी फर्ज है, करेंगे वो, तू बीच में मत बोल, हम हैंडल करें। सुना आपने सुना, मेरा बेटा यहाँ एक दिन नहीं रहेगा, कुछ भी कीजिए, मैं नहीं जानती आप क्या करूँ, वो लॉयर से बात कीजिए, आप इंस्पेक्टर से बात कीजिए, मैं कुछ नहीं जानती। पल्लवी ऐसे सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूँ? मैं नहीं जानती क्या कर सकते आप, बस इतना जानती हूँ मेरा बेटा यहाँ जेल में नहीं, देखिए उसकी हालत देखिए, मेरा बेटा है वो जेल में नहीं रह सकता, प्लीज विक्रम प्लीज कुछ भी कीजिए, मेरे बेटे को प्लीज छुड़ा दीजिए। शांत हो जाओ, मैं कुछ सोचता हूँ, कुछ करता हूँ। ओके आप ये सब मत कीजिए, आपको क्या लगता है मैं शांत हो जाऊंगी, मना लोगे आप मुझे ये सब करने से? मैं नहीं मानने वाली जब तक मेरा बेटा मेरे साथ घर नहीं चला जाता, रणबीर को छुड़ाना ही होगा किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर। भगवान का शुक्र है कि उनको सही बात समझ में आ गई और रणबीर को छोड़ दिया। नहीं टंडन जी, उन्होंने नहीं छोड़ा इसे, जो कुछ भी किया है मीका ने किया है, उसी ने छुड़वाया रणबीर को, वरना हमारे लॉयर ने तो कह दिया था कि छुट्टियां चल रही है, हो सकता है इसे 3 दिन अंदर रहना पड़ता। अच्छा जी, हम इजाजत लेते हैं, चलते हैं। प्लीज मत जाइए ना रणबीर,
प्लीज मत जाओ। मैं नहीं रुक सकता यहाँ पे मेघा, सॉरी। रणबीर प्लीज प्लीज आई बेग ऑफ यू। रणबीर तुम ऐसे चले गए तो मैं, मुझे यही लगता रहेगा कि तुम मेरे साथ ये रिश्ता तोड़ना चाहते हो। प्लीज ऐसा मत करो रणबीर, मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया? मेघा तुम समझ क्यों नहीं रही हो? प्लीज मुझे जाना होगा, मेरे लिए बहुत जरूरी है जाना। मेरी माँ भी यही चाहती है और मैं पहले भी गया हुआ ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और तुम्हें ही लगता है इतना सब कुछ होने के बाद मुझे इस घर में नहीं रुकना चाहिए? I'm really sorry, मैं इस घर में नहीं रुक सकता। रणबीर प्लीज रणबीर। देख रहा है तेरी वजह से बात कहां से कहां पहुंच गई है। अपनी बहन की तरफ देख, उसकी हालत देख, कम से कम अब तो जिद छोड़, माफी मांग ले रणबीर से। माफी? पर मैं कुछ गलत नहीं बोला मैंने। तो मैंने गलत किया? मैंने बोला ऐसा? तू पलट के जवाब देने लगा अब मुझे। अक्षय गलती तेरी है, माफी मांग। सुना नहीं तूने? माफी मांग। अक्षय तेरी वजह से हमारा सर पहले ही झुका हुआ है, अब प्लीज ऐसा और कुछ मत कर कि हम अपना सर उठाने लायक ही ना रहे। मैं तेरा बाप हूं, मैं तुझसे कह रहा हूं कि रणवीर से माफी मांग ले। तो कहे तो मैं तेरे आगे हाथ जोड़ दूं? ना प्लीज प्लीज प्लीज, आप कोई सब करने की जरूरत नहीं। प्लीज फाइन सॉरी फाइन। रणबीर पुत्र अब तू बड़प्पन दिखा, रुक जा यहाँ पर, मीका के लिए, हम सब के लिए प्लीज। जानते हैं मेरा गुस्सा किस लेवल का है? इससे थिंक बिफोर यू स्पीक। भाई वो मत लो, किसी का गिफ्ट है भाई, क्या कर रहे हो आप? चल भाई, हो क्या गया आपको? आप एक गलती नहीं, आप गलतियों पे गलतियां किए जा रहे हो, एक के बाद एक, एक के बाद एक। मैं कोई गलती नहीं कर सकता, समझा तू? आई कैन नेवर बी रॉन्ग। वैसे बात बता, कितने पैसे दे रहे वो आदमी तुझे? कौन कौन आदमी? रणबीर। क्या चल रहा है तेरे और रणबीर के बीच में, बोल भाई। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं चल रहा हमारे बीच। अगर कुछ नहीं है तो ऐसे पीछे क्यों जा रहा है? फुट भाई क्या बोलूं मैं आपको, आपका ना दिमाग, आपको समझ में नहीं आ रहा भाई, आपको हो क्या गया? होश खो रहे हो आप अपना होश। पर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो आप इस घर में अपनी इज्जत खो दोगे, अपनी जगह खो दोगे, अपनी वैल्यू खो रहे हो आप अपनी। भाई हो गया तेरा, चल निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से। वैल्यू खो दोगे एफर्ट। क्या होगा भाई इससे? धक्का देने से सब ठीक हो जाएगा? तो दो धक्का ना यार, दो। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कुछ ठीक नहीं होगा। फिर आप जैसे चीजें हैंडल कर रहे हो ना भाई, बहुत जल्द प्राची भाभी को भी आप हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे। तुम्हारी पत्नी हूँ, अक्षय के साथ जो शादी की थी वो सच्ची नहीं है। मैं तो अभी भी तुझसे शादीशुदा हूँ। तुम्हें जो भी बात करनी है, जो भी बोलना है, जल्दी बोलो, मेरे पास और भी काम है। डरो मत, सबसे जरूरी काम तुम अभी कर रही हो मुझसे बात करके। तुम्हें क्या बोलना है, साफ साफ बोलोगे? क्यों अक्षय के साथ? मतलब? मतलब नहीं पूछ रहा हूँ मैं वजह जानना चाहता हूँ, तुम अब भी अक्षय के साथ क्यों हो? शादी की है मैंने उससे, इसलिए उसके साथ हुआ। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। अक्षय के साथ जो शादी की थी वो सच्ची नहीं है। सही है, मैं तुमसे जवाब मांग रहा हूँ और तुम किसी और बात को छुपा रही हो। कुछ छुपा रही हो मुझसे? क्या छुपा रही हो बोलो। रणबीर जो जैसा होता है ना उसे दुनिया वैसे ही दिखती है। तुम शायद छुपाते होंगे लोगों से चीजें, इसलिए तुम्हें लगता है कि लोग भी। सीधे सवाल का सीधा जवाब मांगा है तुमसे यार। यार मैं नहीं बुलाऊंगा यार, तुम्हें नहीं बुलाऊंगा, लेकिन तुम प्लीज मुझे बताओगी क्या छुपा रही हो मुझसे? मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। कुछ नहीं छुपा रही हो या बहुत कुछ छुपा रही हो? बोलो जवाब दो।
तुम्हें देने के लिए ना मेरे पास कोई जवाब नहीं, मैं कोई जवाब नहीं देना चाहती। और मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहता, मुझे कुछ जानना भी नहीं तुमसे रणवीर। प्राची, आई लव यू। मैं किस मंजिल का राही हूँ, तू किन राहों पे लाए है, समझ पाऊँ ना मैं तुझको ना तू मुझको। जो ना मंजूर है मुझको वही मंजूर है तुझको, समझ पाऊँ ना तू मुझको। अरे भैया, और कितनी देर लगेगी? सुबह का नाश्ता रात के खाने में खिलाओगे क्या? आ गई दीदी, आ गई। अरे भूख से जान निकली जा रही है यहाँ। सॉरी, आपको गरम गरम पोहे पसंद है इसलिए टाइम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे अंकल? बैठो बैठो बेटा। ठीक है बेटा, अब क्या खाओगे? पोहा है, आप केवल पराठे बनाए, आलू के सैंडविच भी है। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, दूध लोगे? आपको इतनी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ले लूंगा, डोंट वरी। बैठिए प्लीज। ये अभी घर का बच्चा है, ये घर इसी का है। हाँ, फॉर्मेलिटी किस बात की? जो भी चाहिए हमसे लेगा। फॉर्मेलिटी नहीं है बेटा, ये प्यार है हमारा। अरे इतना भी प्यार मत कीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी जब बहुत प्यार मिलता है तो अच्छे से अच्छा इंसान बिगड़ जाता है। तो ना फॉर्मल हुई है, नॉर्मल रही, सब ठीक हो जाएगा। रणबीर इतना प्यारा है ना कि सबको इस पर प्यार ही आना है, तो तू ये नॉर्मल फॉर्मल ये सब भूल जा। नहीं नहीं बुआ जी, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। बट मुझे ना एक्चुअली आदत नहीं है इतने प्यार की, और वो भी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करते हो तो बिल्कुल नहीं। एक्चुअली आप लोग एक काम कीजिए, इसकी ना एक मूर्ति मंदिर में रख दीजिए, पूछते रहिएगा, क्योंकि इसका सच तो मैं जानता ही हूँ ऐसे। हे एवरीवन, हाँ हमने पूजा करी, बट प्रसाद आपको बाद में मिलेगा। बैठो बैठो, नाश्ता कर लो पहले। That's great. तुम रणवीर के लिए पूजा करके आई हो? आओ। ये बोलना जरूरी था, तमीज से रह नहीं सकता तुम। मॉम, इसमें तमीज की क्या बात है, मैं तो नॉर्मली पूछ रहा हूँ कि रणवीर के लिए पूजा करके आई, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। गुड, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, मैं किसी के सामने कुछ प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, मैं जो हूँ मैं वही दिखा रहा हूँ, और ये सब मुझे जानते हैं। मैं मीका से शादी नहीं करना चाहता, और ये बात मैं मीका को बोल चुका हूँ। राजी, कैसे ये सब कैसे बोलते हो? किसी के तो हो जाओ रणबीर, किसी एक के तो हो जाओ। किसी एक का हूँ मैं, और हमेशा रहूंगा भी, और वो एक इंसान जानता है मैं उसका हूँ। ये सब मत करो, प्लीज डोंट डू दिस, मत करो। क्या ना करूं मैं प्राची, क्या ना करूं मैं इस घर में, मैं इस घर में नहीं रहना चाहता, तुम जानते हो। पर क्या करूं, मुझे 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 रहना पड़ रहा है। मैं मीका से शादी करना नहीं चाहता, मैं ये सब करने के लिए मजबूर हो रहा हूं। ट्रस्ट मी। तुम मजबूर नहीं हो, तुम ना हमेशा अपनी चलाते हो, दूसरों का नाम लेते हो, लेकिन चलाते अपनी हो। मुझे पता है, मैं जानती हूं तुम्हें, मैं जानती नहीं तुम्हें। नहीं, नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, सच में मैं किसी की जान बचाने के लिए इस घर में आया था। सच में मैं मीका का बॉयफ्रेंड बन के आया था, क्योंकि मैं मजबूर था। फिर जैसे ही मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे तुम्हें देखा, और उसके बाद का सब तो तुम जानती हो अच्छे से प्राची। ट्रस्ट मी। तू रो जा रही। तुम क्यों रोक रही हो मुझे? जब मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो, और तुम भी ये बात जानती हो, तुम क्यों रोक रही हो? क्योंकि तुम गलत बोल रहे हो, ये सही नहीं है, ये गलत है। नहीं, ये सच है, मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो। किसने कहा तुमसे ये? मैं प्यार नहीं करती तुमसे, ये गलत है, ये झूठ। प्राची, तुमने मुझे खुद बताया है, तुम खुद बहुत नशे में थी, तुमने मुझे बताया कि तुम्हारे और अक्षय की जो शादी है वो सच्ची नहीं है, इट्स नॉट रियल। बस मुझे ये जानना है कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से तुम उस अक्षय जैसे बंदे के साथ हो, और ऐसा क्या है जो तुम्हें तुम्हें मेरे पास आने से रोक रहा है, मैं बस ये जानना चाहता हूँ। लगता है मेरा असिस्टेंट आ गया, मैं दरवाजा खोल देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं दरवाजा खोल देती हूँ। अरे इट्स ओके ना, मैं देखती हूँ। अरे बेटा खोलने दे इसको, वैसे भी ये कोई काम नहीं करती है, कम से कम दरवाजा तो खोल ही सकती है। जा 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 जा, खोल। मामा जी। दिव्या, तू शोकी की बात को सीरियसली मत ले, उसकी तो आदत है मजाक करने की। जा दरवाजा खोल। मामा जी, आपसे तो मैं बाद में बात करती हूँ। अच्छा
तो मनप्रीत ने अब बता दिया है कि उसने शोकी के लिए कपड़े पसंद कर लिए, तो अब बचे रणबीर, अक्षय और अभय, इनके कपड़े देख लेते हैं ना। ठीक है। पानी, ये पानी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। प्राची बहू, तो अक्षय के लिए कपड़े पसंद करना और मिहिका तो रणबीर के लिए, ठीक है ना। मैं ना अभी के लिए सिलेक्ट करता हूँ, देख पुत्र मेरी चॉइस। ये है मेरी चॉइस, ये ले। ये पहने का, ये ताऊ जी, कौन से जमाने के कपड़े? आप रहने दो, मैं खुद से चूज कर लूंगा। अच्छा तो ठीक है, फिर देखता हूँ तेरी चॉइस कैसी है, दिखा। ताऊ जी, मेरी चॉइस है कूल ट्रेंडी कपड़े। अभी मैं जवान हूँ, मैं कोई बुजुर्ग थोड़ी हूँ। मैं हूँ। और वैसे भी इस घर में सबसे ज्यादा हैंडसम कौन है? मैं। तू ही है। मैं है, तो कपड़े भी उसी हिसाब के चाहिए ना, ये नहीं पहनूंगा मैं। अच्छा, तो इस घर के सबसे हैंडसम लड़के के लिए ये कैसा रहेगा? वाह ताई जी, आप एक बार में समझ गई। ताऊ जी, आप भी सीखो कुछ, थोड़े मॉडर्न बनो। अच्छा तो तूने मुझे पुराने जमाने को बता दिया, हा? अब तू देख, पार्टी में बताता हूँ मैं कैसा हूँ। ऑफ कोर्स, मैं पहन के देखूं। हाँ, देख देख जल्दी दिखा, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो अभय का तो फाइनल हो गया, अब प्राची और मिहिका तुम दोनों भी सिलेक्ट कर लो कुछ कूल स्मार्ट यंग। हाँ, मेरा अक्षय पुत्र किसी से कम हैंडसम नहीं है, और रणबीर तो है ही मिहिका की चॉइस। हाँ चलो चलो सिलेक्ट करो। वो वाला देखो, वो वाला, ये दिखाओ। तू तो उन्हें पसंद करती है ना? सच बोलूं? उसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती, नाटक करती हूँ मैं, नाटक, सब नाटक। What? एक्टिंग करती हूँ मैं। You know why? क्योंकि मेरा रणबीर उसको कुछ ज्यादा ही इज्जत देता है, कुछ ज्यादा ही पलकों पे बिठा के रखता है। That's why I don't like her. जहर है वो, जिसे मैं खुशी खुशी गले लगाने की एक्टिंग करती हूँ। You know why? क्योंकि वो मेरे रणबीर के साथ थी, और उसका जादू आज तक चलता है रणबीर पे। देखा नहीं कैसे सबके सामने रणबीर उसके लिए ड्रेस सिलेक्ट कर रहा था, और वो ड्रेस प्राची मुझे दे रही थी, जो मैं पहनूंगी भी। You know why? क्योंकि वो मेरे रणबीर ने सिलेक्ट किया। अगर प्राची सिलेक्ट करती ना, तो मैं नहीं पहनती। I would never wear it, never ever. Because I hate Prachi. ठीक हो जाएगा, please relax कर। देविया, तू बैठ, you just wait and watch कैसे मैं उस Prachi का हिसाब करती हूँ अच्छे से। Just wait and watch. Please relax कर, please. खाती रहेगी या कुछ काम भी करेगी? पहले खा लो फिर। हाँ, ये इतना ठीक है ना? और माखन के लिए आपको आना पड़ेगा, मैंने खीर की तैयारी कर। ठीक है ठीक है, मिश्री है कि नहीं? ब्यूटीफुल है ना मीका? नहीं, अभी कुछ नहीं खाऊंगी, पहले प्राची भाभी की हेल्प करूंगी तभी कुछ खाऊंगी। भाभी मुझे कुछ हेल्प कर दो। फूलों की रंगोली बनानी? बना लो, यहाँ बना लो। मनप्रीत, हाँ जी, ये गोपाल जी के गहने और वस्त्र है, सारी सजावट हो जाएगी, उसके बाद उन्हें पहना देना, ठीक है? जी दीदी। प्राची और रुई पकड़ा दे। बड़ा सुंदर है, कितना प्यारा कर रहा है। अरे वाह, हैप्पी जन्माष्टमी। हैप्पी जन्माष्टमी। हैप्पी जन्माष्टमी। अरे सेम टू यू, सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा है। मैं कुछ मदद कर सकता हूँ आपकी? क्या बात है भाई, आज सबको काम करना है। हाँ हाँ, आज प्रेम का दिवस है ना, आज कृष्णा जी पैदा हुए थे, और वो तो हमेशा सच्चा प्यार ही करते थे।
तो बताइए ना, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ आपकी? तुम रंगोली बना दो। अरे आई लव रंगोली। हाँ, तुम्हें आती है? अरे चैंपियन, बचपन से रंगोली बनाता आ रहा हूँ। वाह, तुम तो इतना अच्छा बना रहे हो, और एक अक्षय भाइयों ने कुछ आता ही नहीं है। I know right, तब भी प्राची ने अक्षय से शादी कर ली। Can you imagine? Sorry. पता है, अब भी प्राची से प्यार करता है। मत ये सब करने की, उसको क्या लग रहा है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा क्या, मुझे परेशानी हो रही है, मुझे नहीं पसंद आ रहा है। दिव्या क्या बातें बना रही है तू यहाँ, चल जा यहाँ से। मम्मा आपको कुछ नहीं पता, भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते हो। मम्मा हूँ तेरी हा? हर मामले में जा, चल जा यहाँ से, मुझे बात करनी है ना इससे, इम्पोर्टेंट बात करनी है, जा तू। मेका क्या बोल रही थी बता। अच्छा मैं जो पूछ रही हूँ ना उसका जवाब दे, ठीक है? तू रणबीर को चाहती है या प्राची पे अपना गुस्सा निकालना चाहती है, मतलब पहले और ज्यादा क्या जरूरी है तेरे लिए? बॉय क्या जरूरत है ये पूछने की, ऑब्वियसली रणबीर ही सबसे आगे है मेरे लिए, मुझे रणबीर चाहिए। मेका है ना, तो ये बात अपने दिमाग में गांठ बांध ले, ठीक है? और कोई भी बेवकूफी मत कर। बुआ पर मुझे प्राची पर गुस्सा आ रहा है, वो कैसे गुस्सा आ रहा है ना, उस गुस्से को बांध के रख, काबू में रख, अपने अंदर रख, क्योंकि ये टाइम गुस्सा दिखाने का नहीं है, ठीक है? अगर तूने इस टाइम गुस्सा दिखाया ना तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी दे मारी, समझ? नहीं समझी ना, समझाती हूँ तुझे। देख हर जंग नफरत से नहीं जीती जाती उतार, कुछ जंग होती है जो प्यार से भी जीती जाती है, और तुझे यही खेल खेलना है। प्राची के साथ इतनी अच्छी बन जा, इतनी ज्यादा अच्छी बन जा कि वो तेरे साथ कुछ बुरा कर ही ना सके, और तेरे रणबीर को तुझसे चुरा ना सके। और फिर भी चुरा लिया तो? बैठ बैठ बैठ, बचपन से ना इन हाथों से बड़ा किया है तुम बच्चों को, दुनिया देखी परखी है। मैंने बोला, मैंने बोल दिया। प्राची ये सब कुछ भी नहीं करेगी, क्योंकि वो मर्यादा में रहने वाली लड़की है, मर्यादा में बंध के रहेगी, अपनी हद को कभी पार नहीं करेगी। लड़की बुरी नहीं है वो, लेकिन हाँ रणबीर पे मुझे विश्वास नहीं है। वो तो खुला सबको बता रहा है कि वो प्राची को पसंद करता है। कोई तू ना प्राची की पसंद बन जा, हाँ लाडली बन जा, उसकी उसकी अपनी बन जा, ताकि वो तेरे साथ कुछ बुरा कर ही ना सके, और दूसरों को भी ना करने दे। याद रख प्राची ढाल है तेरी, ढाल, उस ढाल को तुझे हथियार बनाना है, फिर प्राची तेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती और ना दूसरे को बिगाड़ने देगी, तो समझ रही है? और बची बात गुस्से की, तो गुस्सा तो तब निकालना है जब लोहा गर्म हो, तभी हथौड़ा चलाना है। ये टाइम नहीं है गुस्सा निकालने का, ये तो मतलब निकालने का टाइम है, इसलिए अभी शांत। मेरे काम के बीच में मत आना तुम। तुम्हारा काम ये क्या, कैसी बातें कर रही हो तुम? देखो तुम ना अगली बार मुझसे ऐसे मत बोलना, ये हक वक, वरना सबके सामने दिखा दूंगा क्या हक है मेरा, क्योंकि ऐसी बहुत चीजें हैं जो तुम्हें पता भी नहीं है और मुझे सब पता है। Yes.
यहाँ क्या देख रहे हो? तुम्हें देख रहा हूँ, और किसे देखूंगा? देखो मत, बताओ मुझे, आई वॉन्ट टू नो क्या चल रहा है। क्या चल रहा है, क्या बोल रही हो तुम, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। एग्जैक्टली, मैं भी तुमसे यही पूछ रही हूँ। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे थे तुम मुझसे बाहर? ऐसे कैसे बात कर सकते हो मुझसे, ऐसे कैसे पूछ सकते हो तुम? यू वेलकम। वैसे तुम जानती हो मेरे लिए सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी स्माइल, ये वाली जो बहुत दिनों से मिसिंग थी। बट आई एम रियली वेरी हैप्पी कि फाइनली ये मुस्कुराहट, ये स्माइल तुम्हारे चेहरे पर वापस आ गई। मुझे लग रहा है कि मैंने शायद कुछ कुछ तो अच्छा किया जिससे तुम खुश हो। लेकिन प्राची, मुझे ना अभी भी तुमसे माफी मांगनी। क्यों, अब क्या हुआ? एक्चुअली वो क्या हुआ ना कि मैंने अभी रणबीर को देखा, खुशी से बात कर रहा था, और इस तरह से बात कर रहा था जैसे कि वो उसकी अपनी बेटी हो। वो उसी की बेटी है? नहीं 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 प्राची, वो तुम्हारी बेटी है। और जिस तरह से रणबीर उससे बात कर रहा था ना, मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो उसे ऐसा महसूस करवा रहा है कि तुम्हारी वजह से वो दोनों साथ नहीं। मतलब जिस तरह से रणबीर खुशी से बात कर रहा था, उसकी बातों से ये लग रहा था कि तुम हो मेन वजह जिसकी वजह से वो बाप और बेटी एक दूसरे के साथ नहीं है। आई मीन बच्ची है यार, उसपे गलत असर पड़ेगा, ये तो कोई बात नहीं हुई ना बच्चों से करने वाली। I'm sorry, अब हो सकता है कि मैं थोड़ा सा ज्यादा सोच रहा हूँ, ऐसा ऐसा ना हो। वैसे भी अगर रणबीर और प्राची की बात होती तो मैं बीच में जरूर बोलता, लेकिन यहाँ पर माँ बाप की बात हो रही है तो मैं बीच में बोलने वाला कौन होता। पर फिर भी मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उसको, लेकिन शायद मैं फिर से ओवरथिंक कर रहा हूँ। छोड़ो, भूल जाओ ये सब। एनीवे तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम जाओ कुछ दिन के लिए। जी, और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरी बात सुन, रणबीर और मीका की शादी भी होगी, प्राची और मैं पति पत्नी की तरह भी रहेंगे, एंड गेस व्हाट, खुशी हमारी बेटी होगी। लेकिन बुआ जी, बस ये दो दिन के लिए सबको परेशानी झेलनी पड़ेगी। ऐसा क्या करने जा रहे हैं तू अक्षय, जो सबको तकलीफ होगी? बुआ जी, शायद आपको पता नहीं, लेकिन रणबीर और प्राची बहुत पहले अलग हो गए थे, क्योंकि रणबीर को लगता था कि खुशी की मौत प्राची की वजह से हुई। कुछ सालों बाद ये दोनों दोबारा मिले, लेकिन इन दोनों में बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटीज थी, डर था, क्योंकि रणबीर को लगता था कि प्राची खुशी को छीन लेगी उससे, और प्राची को लगता था कि रणबीर खुशी को उससे छीन लेगी। एंड गेस व्हाट बुआ जी, इसी इनसिक्योरिटी का मैं फायदा उठाने वाला हूं। मैं प्राची के दिमाग में इस बात को घुसा दूंगा कि रणबीर खुशी को उसकी जिंदगी से छीनना चाहता है। आप समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? तुम मैं मत समझा, हाँ तू समझ ले और एक बात दिमाग में रख ले, इस सब में खुशी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बुआ जी, जैसे कि मैंने कहा, दो दिन के लिए सबको तकलीफ होगी, सबको। वो आ गया होगा। कौन कौन आ रहा है? काम डाउन, वक्त आने पर आपको भी बता दूंगा। आप लोग अब कोई बदमाशी नहीं, पक्का? हाँ। मम्मा की बात मानेंगे पक्का? हाँ। खाना खाना पड़ेगा पक्का? या वेरी गुड गुड गुड, जल्दी खिलाओ खिलाओ खिलाओ। पापा सच में खाना खाना पड़ेगा? हाँ सच में खाना पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि खाना ना तुम्हारी मम्मी खिला रही है, और मम्मी कौन होती पता है? जो तुम्हारे लिए बेस्ट करती है। सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? मम्मी। सबसे ज्यादा ख्याल कौन रखता है? मम्मी। सही बुरे की सही पहचान किसको होती है? मम्मी को। तो मम्मी जो बोले चुपचाप कर लेना चाहिए। आप बोलो आ गुड गर्ल, वेरी गुड गर्ल। कैसे खाना अच्छा है ना, इसलिए बोल रहा था पहले खा लो। क्या हो रहा है यहाँ? ओ वाह, खुशी खाना खा रही है। फाइनली। खुशी, जब से तुम आई हो तुम मुझसे ठीक से मिली भी नहीं हो। बुआ, इसके बाद मैं आपके साथ खेलूंगी ना। अरे तुम्हें सबसे बड़ी न्यूज तो दी नहीं मैंने, अब मैं सिर्फ तुम्हारी बुआ नहीं हूँ, तुम्हारे पापा की होने वाली वाइफ हूँ। तुम्हारे पापा से मेरी शादी होने वाली है। मतलब मेरी दो दो मम्मा? हाँ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, डबल प्यार मिलेगा, है ना रणबीर? डबल क्या, ट्रिपल क्वाड्रिपल प्यार मिलेगा। मेरा बस चले मैं तुम्हें हर दिन रोज प्यार करूँ, तो तुम्हारी मम्मी मुझे मिलने कहाँ देती है तुमसे? मैं मिलने दूंगी। तुम तो बहुत अच्छी माँ बनोगी, ट्रस्ट मी।
ओके खुशी, मैं तुम्हारे नीचे वेट कर रही हूँ, ओके आ जाना। मम्मा खिलाओ ना। कैसा, अच्छा है खाना? मेरा बस चले मैं तुम्हें हर दिन रोज प्यार करूंगा, पर तुम्हारी मम्मी मुझे मिलने कहां देती है तुमसे? क्या सोच रहे हो? तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं कि तुम इतनी उदास क्यों? उदास नहीं हूं मैं, उदास क्यों होंगी मैं तो बस। सीरियसली तुम्हें लगता है मैं समझ नहीं पाऊंगा? तुम्हारी उदासी ना मुझे महसूस हो जाती है, यू नो। क्या हुआ बताओ? ये जब से पैदा हुई है ना, मुझे लगता है ये मेरा हिस्सा है जो मेरे सामने है। इसे देखती हूँ तो सब भूल जाती हूँ। बहुत प्यार करती हूँ उसे, बहुत ज्यादा, पर मौका ही नहीं मिला वो प्यार दिखाने का, जताने का, एक्सप्रेस करने का, पता नहीं नहीं मिला। तो कोशिश करती रहती हूँ। अभी देखो कैसे सबके सामने कैसे हंस रही है, मस्ती मजाक कर रही है, नाच रही है। मैं बस चाहती हूँ मेरे साथ भी ऐसे ही करे, बस हंसती रहे। पर तो इसका मतलब तुम्हें थोड़ी थोड़ी जलन हो रही है ना? जलन क्यों? कि नहीं, वो तो इसका प्यार है जो खुशी का प्यार। तुम्हें लगता है खुशी का प्यार कभी भी तुम्हारे लिए थोड़ा कम होगा, चाहे कुछ भी बदल जाए, पूरी दुनिया बदल जाए, चाहे खुशी खुद बदल जाए, लेकिन उसका प्यार तुम्हारे लिए कभी नहीं बदलेगा। इनफैक्ट बढ़ेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर तुम भूल गई हो, तुम उसकी माँ हो, और माँ का प्यार कैसा होता है? ना कभी जबरदस्ती छीना जा सकता है और ना कभी जबरदस्ती दिया जाता है, वो हमेशा वहां रहता है। तो खुशी का प्यार कभी बदलेगा नहीं तुम्हारे लिए। तुम अगर इतने अच्छे से समझ पा रहे हो मेरा प्यार, मेरी बच्ची के साथ मेरा रिश्ता, सब कुछ, तो एक बात और समझ लूंगी, मतलब बस इतनी बात कि कभी भी मुझे मेरी बच्ची से दूर मत करना प्लीज। अच्छे से दूर मत करना? मैं तुम्हें खुशी से दूर करूंगा? कि कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम पागल हो गई हो, क्या बोल रही हो? मैं क्यों दूर करूंगा तुम्हें? तुम उसकी माँ हो, वो तुम्हारी बेटी है। तो तुम कभी मुझे मेरी बच्ची से दूर नहीं करोगे, है ना? यही बोल रही हूँ। फिर से वही बात कर रही हो तुम? जिस तरह से रणबीर खुशी से बात कर रहा था, उसकी बातों से ये लग रहा था कि तुम हो मेन वजह जिसकी वजह से वो बाप और बेटी एक दूसरे के साथ नहीं है। आई मीन बच्ची है यार, उसपे गलत असर पड़ेगा। ये तो कोई बात नहीं हुई ना बच्चों से करने वाली। कैसा हो सकता है कि रणबीर खुशी को तुमसे दूर करने की कोशिश करे? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 seconds extra, 11, 12. Ready or not? Here I come, Khushi. गर्मी कितनी हो रही है? मैं सोच रहा हूँ कि पर्दे खोल दूँ, क्योंकि पर्दों के पीछे तो मेरी खुशी। अरे खुशी, ओके कोई नहीं, काम करता हूँ, जैकेट चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि जैकेट के पास तो मेरी। खुशी, खुशी कहाँ है? खुशी, कैसे डरा? मुझे पता है कहाँ होगी। बेड के नीचे नहीं है बाथरूम, ये कह रही कहीं नहीं है। ऐसे क्यों नहीं है कहीं पे? मुझे मिल क्यों नहीं रही है वो? ऐसे हम कब से आवाज दे रहे हैं ना? वो उसे पता है, उसे मजा आता है खेलने में, पर जब मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ तो आ जाती है सामने, ऐसे नहीं करती।
ऐसे ऐसे नहीं करती खुशी। मैं एक आवाज देती हूँ ना तो आ जाती है। उसे पता है माँ परेशान हो जाएगी तो ऐसे नहीं करती। कोई उसे वो कहीं चली नहीं, नहीं। मुझे डर डर लग रहा है। अब डर लग रहा है मुझे। वो मैं देखती हूँ। मैं मिल जाएगी। मैं प्राची प्राची रुको प्राची। वहाँ पर डाइनिंग एरिया में उस डांसर के साथ क्या बातें कर रहा था? मैंने अपनी आंखों से देखा तो उसे कुछ बात कर रहा था। तो क्या बात कर? कौन डांसर? डांसर यार जो डांस कर रहे थे कुछ बात कर रहा था। कैसा डांसर? मैं किसी डांसर को नहीं जानता हूँ। मैं अच्छे तरीके से जानता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, उसने नाटक करना बंद कर, समझा तू? खैर छोड़ो ना, जब बात साबित करने पर आ गई है तो साबित करते है ना। अबे एक काम कर, जा और जाके सीसीटीवी फुटेज निकाल के ला। भाई ऐसा कैसे इस समय? तू गया नहीं अभी तक? जा और जाके सीसीटीवी फुटेज निकाल के ला ताकि सबको पता चले कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और किसने किया। जा जल्दी जा। एंड यू रणबीर, मैं एक बहुत ही इज्जतदार घर से हूँ, समझे तुम? लोग जानते हैं मुझे। अगर ऑर्फनेज वालों ने मुझे खुशी का बाप बनाया तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा, समझे तुम? ये इस बात से क्या नाता है? कुछ भी मत बोल, ये अपने होश खो बैठा है क्या आपका बेटा? कुछ भी बोल। यार मैं अपने होश खो बैठा हूँ, लेकिन तू तो होश आवाज में था ना जब तूने खुशी को किडनैप किया था। शट अप ओके, बस इनफ यार। पागल हो गया तू? मेरे अंदर दिमाग नहीं है? मैं खुद की बेटी को किडनैप कर लूंगा? अगर मुझे खुशी को तेरे सामने से लेके भी जाना होता तो मैं उसको चुपचाप बोलता ना कि खुशी बेटा चलो, और मना करती नहीं, मना करती ना, उसको किडनैप करने की क्या जरूरत थी? और मैं क्यों अपनी बेटी को किडनैप करूंगा? वो मेरी सुन लेती, मेरी खुशी है, वो मेरी बेटी है। नहीं रणबीर नहीं, तू समझ नहीं रहा है यार। बात यहाँ पर सिर्फ खुशी की है ही नहीं, बात यहाँ पर प्राची की हो रही है, क्योंकि तुम्हें प्राची चाहिए। बात खत्म। अक्षय तू पागल हो गया क्या? खुशी को नाश्ता बोले जा रहा है, बेस से पैर की बातें कर रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ मैं प्रूव करूंगा ना उसको, तो आपको प्रॉब्लम क्या? बस रोज रोज ये तमाशे में नहीं सुन सकती, मत बोलो अब कुछ। प्राची 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 लिसन टू मी, मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ ना तुम्हें बदनाम करने के लिए या फिर जलील करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। प्राची तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है, बस मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि एक बार अपने कान आंख सब कुछ खोल के देखो जो यहाँ पर हो रहा है। ये इंसान अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रियलिटी में ये खुशी को तुमसे दूर करना चाहता है, अपने साथ रखना चाहता है, और ये मैंने अपने कानों से सुना है। तो प्लीज प्लीज फॉर गॉड सेक देखो उसको और मेरी बात समझो, मैं सच बोल रहा हूँ और मैं साबित कर दूंगा प्राची। भाई इनफ, ये अब क्या बकवास किए जा रहे हो? क्या उल्टा पुल्टा बोले जा रहे हो रणबीर के लिए, और वो भी किस लिए? क्योंकि आपको लगता है रणबीर की नजर प्राची भाभी पर है? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, प्राची भाभी की नजर रणबीर पे है। Rika? It's true, mom. I'm sorry, भाभी। आज आप मुझसे नफरत करने वाले हो, बट मैंने खुद देखा है आपकी नजर रणबीर पर हटती नहीं है। देखो एक सेकंड, अगर मैं इसके साथ खड़ा भी हूँ तो डांसर है तो इसका लेना देना क्या है इस चीज से? मैं बस ऐसे ही खड़ा हुआ हूँ। रणबीर ये ना डांसर के भेस में कोई और ही लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, देखो ना। मुझे कैसे पता चलेगा कि वो अजीब है? मैं जानता थोड़ी हूँ उसको, मैं तो बस ऐसे ही नॉर्मली खड़ा था। वो आया मेरे पास, वो मुझसे नॉर्मल बात कर रहा था, मैं उससे नॉर्मल बात ही कर रहा था और कुछ नहीं। मुझे तो लगा वो डांसर। यार तू इतना, यार इतना भोला क्यों है तू? तो पता ही नहीं चलता कौन डांसर है कौन किडनैपर है। सीरियसली आई फील बैड फॉर यू यार, तू किडनैपर से बात कर रहा था जिससे तू खुशी को किडनैप करवा रहा था, वो किडनैपर था। खैर एक काम कर, डांस ट्रूप यहीं पर है, अगर वो डांसर था तो उसे यही होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, पूरे ट्रूप को यहाँ बुला लेते हैं, और अगर वो इंसान यहाँ पर हुआ तो मैं मान जाऊंगा कि रणबीर बिल्कुल सही कह रहा है और मैं झूठ बोल रहा हूँ। सही कह रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, बताइए आप लोग? बिल्कुल सही है। प्राची एक काम करो, डांस ट्रूप को बोलो कि यहाँ पर आ जाए, लाइन में खड़े हो जाए, हम देख लेते हैं अगर वो डांसर है तो यहीं पे होगा ना। प्रीति ले आओ उन डांसर्स को। ओ, मैं भी देखती हूँ। तुम मान तो नहीं रही हो इसकी बात? प्राची तुम्हें सच में लगता है मैं रणबीर, मैं हमारी बच्ची को किडनैप कर लूंगा? तुम सच में इसकी बातों में आ रही हो? नहीं कर सकता,
कर सकते हो, एक बार पहले भी तो किया था। याद है ना प्राची, इसी बच्ची को तो ढूंढ रहे थे हम, मतलब आप ही ने इसको उठाया है। नहीं 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 नहीं, नहीं। पकड़ो इसको। किया तो था? नहीं किया था, कभी नहीं किया था, तुम्हें अच्छे से याद है। खुशी ऑर्फनेज से भाग के मेरे घर आई थी, मैंने नहीं किया था। तुम मत सुनो उसकी बात। उस बारे में बाद में हमने कोई बात नहीं की थी रणबीर। चाची खुशी ने तुम्हें खुद बोला था अपने मुंह से, याद है? वो भाग के आई थी मेरे पास, याद है ना? उसने खुद बोला था। बच्ची उसे हम कुछ बोल देंगे ना कि खुशी ये बोलना है ये नहीं बोलना है, तो मान लेगी? उसे नहीं समझ आता ना क्या सही क्या गलत, वो छोटी बच्ची है रणबीर। इंस्पेक्टर, ये मिस्टर रणबीर कोहली है, इन्होंने मेरी बेटी को किडनैप किया है। इनसे प्लीज पूछे इन्होंने ऐसा क्यों किया और मेरी बच्ची कहाँ है। मैं प्राची, प्राची मैं, मैंने मैंने कुछ नहीं किया। लेके चलो। मैंने कुछ नहीं किया और मैं खुशी को क्यों लेके जाऊंगा अपने साथ। प्राची मैंने कुछ नहीं किया, मेरा विश्वास करो, मैंने कुछ नहीं किया। ये झूठ बोल रहा है तुमसे। मेरी बेटी का है बता दो। मैं हूँ उसकी, प्लीज बता दो मेरी बेटी का है। मैं बहुत प्यार करती हूँ उसे, मैं उसके साथ जी नहीं पाई हूँ रणबीर इतने साल से। जब वो एक दिन की भी नहीं थी ना, दूर हो गई थी मुझसे। मुझे लगा था मैं हमेशा के लिए मैंने खो दिया उसे। मुझे नहीं पता था वो जिंदा, लेकिन वो जिंदा थी। भगवान ने उसे फिर से मेरी लाइफ में भेजा 5 साल बाद। वो 5 साल की हो चुकी थी, फिर उसके साथ 2 पल भी नहीं बिताए थे कि वो दूर हो गई, वो हॉस्टल चली गई। मैंने उसे जाने दिया, उसकी भलाई के लिए जाने दिया। तुम सोचो ना मैं कितनी श्रापित माँ हूँ। श्रापित माँ, सिर्फ जन्म दे पाई हूँ अपनी बच्ची को, उसके साथ जी नहीं पाई हूँ। उसे देने के लिए ना मेरे दिल में बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। उसके साथ वो सब करना चाहती हूँ जो मैंने सोचा है। उसे बहुत प्यार देना चाहती हूँ, खिलाना चाहती हूँ, सिलाना चाहती हूँ, बहुत बहुत प्यार करना चाहती हूँ। उसे बड़ा होते देखना चाहती हूँ रणबीर, वो नहीं देख पाई हूँ। मैं भीख मांगती हूँ तुमसे, मेरी बच्ची को दे दो मुझे, प्लीज बता दो क्या है। प्लीज भगवान के लिए मेरे बच्चे तुम्हारी, बता दो प्लीज। तुम्हारा दर्द मैं समझ पा रहा हूँ। तुम माँ हो ना उसकी, मैं भी तो बाप हूँ ना उसका, मुझे भी तो बुरा लग रहा है। तुम समझ क्यों नहीं रही? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मुझे बहुत वक्त मिला अपनी बेटी के साथ। 1 महीने में मैंने उसको खो दिया था, 1 महीने में। मैंने भी उसको 5 साल बाद देखा। तुम्हें तो कम से कम उसके साथ कुछ सुकून के पल मिल गए थे, तुमने उसको अडॉप्ट कर लिया था, मेरे पास तो वो भी नहीं थे। मैं कितना बदनसीब बाप हूं। मैं भी अपनी बच्ची से प्यार करना चाहता हूँ, मेरे दिल में इतना प्यार है अपनी बच्ची के लिए, लेकिन प्यार करने के लिए खुद बच्ची नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करूं? इसीलिए तुम उसे मुझसे छीनना चाहते ताकि ये सारा प्यार उसे दे सको। प्राची प्राची मेरी आंखों में देखो ना, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे सच में नहीं पता है। खुशी पता है, तुम्हें पता है, ये बात मुझे पता है। तुम साफ साफ बता दो खुशी का मैं चली जाऊंगी, तुम्हें परेशानी करूंगी, बताओ खुशी का बैरिस, खुशी मुझे बताओ मेरी बच्ची का बताओ। तुम्हें जो समझ लेना जाके समझ लो, मेरे को समझाना ही बेकार है। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? पागल हो गई हो तुम? कब से बोल रहा हूँ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं उसका बाप हूँ। ये तुम्हारी ना, तुम्हारी यही दिक्कत है, तुम्हें कभी मुझ पर भरोसा ही नहीं होता है। कौन हूँ मैं? रणबीर हूँ, तुम्हारा अपना बखलू। तुम मेरी बात पे भरोसा क्यों नहीं करती हो क्या? राज चलता इंसान हूँ मैं। तुम्हारी इसी वजह से, इसी सोच की वजह से हम साथ नहीं है। इसी वजह से आज हमारा परिवार अधूरा है। आज हमारे परिवार में तुम, मैं और खुशी नहीं है, सिर्फ इसी वजह से। ठीक है, ब्लेम कर लो मुझे, दिल खोल के ब्लेम कर लो, सब मैंने किया, दुनिया की सारी गलतियां ना मैंने की। खुशी कहाँ है मत बताओ, मैं ढूंढूंगी। लेकिन एक बात कान खोल कर सुनना रणबीर, जिस वक्त मुझे मेरी बेटी मिल गई ना, मैं एक पल के लिए भी तुम्हें उसके करीब नहीं आने दूंगी। नहीं, मेरी बेटी कहाँ है? यही सवाल मैं तुझसे पूछने यहाँ आया हूँ रणबीर, घर में भी पूछ पूछ के थक गया, प्लीज बता दे मेरी बेटी कहाँ है।
रणबीर तू जानता है मैं खुशी को बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना नहीं रह सकता, प्लीज प्लीज बता दे मेरी बेटी का है, नहीं तो मैं हत्या को कुछ कर लूंगा। तू क्या चाहता है, क्या चाहता है? मेरी जायदाद, मेरा घर, मेरा ऑफिस, मैं सब कुछ तुझे दूंगा, आई प्रॉमिस, तुझे जो चाहिए मैं तुझे दूंगा, लेकिन प्लीज प्लीज बता दे मेरी बेटी का है, क्योंकि उसके बिना मैं मर जाऊंगा रणबीर। प्लीज टेल मी वेयर इज खुशी। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, आप जानते ऑर्फनेज वालों ने मुझे खुशी का फर्स्ट पेरेंट बनाया था। आई एम सो सॉरी, आपको पिछली स्टोरी नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली रणबीर और प्राची पति पत्नी, इनकी बहुत पहले शादी हुई थी, उसके बाद उनकी जिंदगी में वो प्यारी बच्ची आई, खुशी। बहुत प्यारी है इंस्पेक्टर साहब, बहुत ज्यादा प्यारी, आप यकीन करेंगे। इन दोनों के बीच में इतनी लड़ाइयां हुआ करती थी कि उस बच्ची को उस वजह से ऑर्फनेज जाना पड़ा। आप खुद ही सोचिए इंस्पेक्टर साहब, एक बच्ची जिसके माँ बाप हैं, उसके बावजूद वो ऑर्फनेज में थी, क्या बीत रही होगी उस पर। अब किसकी गलती थी, झगड़े क्यों हुआ करते थे, वो मुझे नहीं पता, और मेरा कोई हक नहीं बनता भी इसमें बोलने का, मैं कुछ नहीं बोलूं। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, उसके बाद मेरी जिंदगी में प्राची है, और प्राची के जरिए मैं उस खुशी से मिला, मेरी खुशी। इंस्पेक्टर साहब, आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे ही मैंने उस मासूम सी बच्ची को देखा तो मुझे लगा कि तो मेरी बच्ची है, मुझे इसका ख्याल रखना है। मेरे अंदर से वो फीलिंग आई कि इसे पाल पोस के मैं बड़ा करूंगा, इसे मैं लंदन भेजूंगा, इसे सब कुछ करूंगा इसके लिए। ये सब देखने के बाद ऑर्फनेज वालों ने मुझे खुशी का फर्स्ट पेरेंट बनाया, और आज इसने ये सब जो तू कर रहा है वो क्यों कर रहा है? मुझे तेरे को देख के ऐसा लग रहा है कि तू मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्यों कर रहा है अक्षय? ये तो क्या बोल रहा है रणबीर, हाँ जो इल्जाम मैं तुझ पे लगा रहा हूँ वही इल्जाम तू मुझ पे लगा रहा है, सीरियसली? इंस्पेक्टर साहब, यही है कल्प्रेट, यही कल्प्रेट है, इसी ने खुशी को किडनैप किया है। ये प्राची को मुझसे छीनना चाहता है क्योंकि वो उसकी पहली पत्नी है। इनफैक्ट खुशी को मुझसे छीनना चाहता है, मेरे परिवार को मुझसे छीनना चाहता है। यार तू तेरी पत्नी नहीं है, वो मेरी पत्नी है, समझा? मेरी बीवी है, मेरी पत्नी है सर, वो मेरी बीवी है। मैंने कहा ना, ये मेरे परिवार को तो मुझसे अलग नहीं कर सकता, समझा? तेरा परिवार नहीं है, वो मेरा परिवार है, मेरी बीवी है और मेरी बच्ची है, और तेरी आंखों के सामने ना उनको अपनी जिंदगी में वापस लेके आऊंगा मैं अक्षय, याद रख। तो इसका मतलब ये सब करने के लिए तो खुशी को किडनैप करेगा, उस मासूम बच्ची को किडनैप करेगा। अगर तेरा बस चलेगा तो तुझे मारेगा, मारना चाहता है ना मुझे, बोल मारना चाहता है? हाँ, मेरा बस चले तो मैं अभी मार दूं तुझे। नहीं सर, नहीं, ये झूठ बोल के चला गया इंसान। सर मैंने कुछ नहीं किया, सच में मैं अपनी बेटी को खुद क्यों किडनैप करूंगा सर? सर सर मैं नहीं जानता उसको जिसने किडनैप किया है, मुझे उसकी शक्ल नहीं पता सर। सर शायद ये आदमी था जिससे मैं बात कर रहा था, ये नहीं है वो, इससे ही तो बात कर रहा था शायद मैं, तुम कहा ना मैंने, ये नहीं है वो। अक्षय को कैसे पता था उस वक्त कि जिस इंसान को हम ढूंढ रहे हैं वो वहां पे है ही नहीं, जबकि सीसीटीवी फुटेज में बहुत बहुत छोटा सा चेहरा दिख रहा था उसका। यानी अक्षय जानता है, अक्षय जानता है खुशी को किडनैप किसने किया। क्यों इस पे गुस्सा नहीं उतारू मैं, इसकी कोई गलती नहीं है, फिर इसके परिवार की वजह से तू है यहां पर, हमेशा इसके परिवार ने तुझे मुसीबत में डाला है। कुछ गलत हो जाए रणबीर की गलती, कुछ बुरा हो जाए रणबीर की गलती, बस तू भूल गया क्या? पिछली बार भी जेल इसी के भाई की वजह से आया था ना तू? पिछली बार मैंने जैसे तैसे अपने मन को मना लिया था, उन लोगों को माफ कर दिया था, लेकिन इस बार नहीं। इसका भाई हर बार कोई नया ड्रामा शुरू कर देता, पीछा ही नहीं छोड़ता तेरा। ये बता मीका, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं रणबीर को यहाँ से निकालना चाहती हूँ, बिलीव मी, मुझे पता है ये इनोसेंट है, इसलिए कुछ गलत नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया रणबीर ने। तो हमें क्यों बता रही हो ये बात, जाके अपने भाई को समझाओ। अरे दीदा, उसकी गलती नहीं है, आप उसको प्लीज मत बोलिए ना। और इस वक्त ना मैं आप सबको नहीं समझा सकता कि किससे कैसे पेश आए, मैं ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, आप प्लीज मुझे और परेशान मत कीजिए। आपसे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज आप मुझे ना अभी इस वक्त अकेले छोड़ दीजिए, क्योंकि खुशी मेरे लिए बहुत जरूरी है। और मीका, अगर तुम्हें लगता है तुम मेरे लिए कुछ कर सकती हो, लेट मी टेल यू, तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती। इस सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा भाई मेरी मदद कर सकता है, अगर वो कंप्लेंट वापस ले, जो कि वो नहीं लेगा।
प्राची मेरी मदद कर सकती है, लेकिन वो भी कंप्लेंट वापस नहीं लेगी। मैं आप सबसे ना हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, प्लीज इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दीजिए। वैसे भी 3 दिन तो मुझे यहाँ रहना ही है ना, कोर्ट की छुट्टी है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो प्लीज अभी कोई फायदा नहीं है, आप प्लीज यहाँ चली जाइए। रणबीर मैं कैसे जा सकती हूँ बेटा, मैं तुझे यहाँ से छोड़ के मैं नहीं जा सकती। आप सच में अगर मेरे लिए कुछ करना चाहती है तो इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दीजिए, सिर्फ इस वक्त। फिर मैं कैसे? मीका मतलब आंटी प्लीज चलिए। रणबीर सब